प्री मॉनसून का ताकतवर स्पेल, लाहौर इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके जेरे आब, लोगों को मुश्किलात, बिजली की आंख मचोली, कराची में आज रिमझिम की पेशगोई, महकमा मौसमियात ने 23 जून तक बादल बरसने की नवीद सुना दी। स्कर्दू में मुसलसल बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, स्कर्दू जगलोट शहरा दो मकामात पर बंद, सैकड़ों सयाह फंस गए। खराब मौसम के बायस बीआईए की परवाजें भी मनसूख, लुलुसर और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। आटा, चीनी, घी, चावल और दालें सस्ते दामों दस्तयाब होंगे। वज़ीर आज़म ने 5 बुनियादी अशिया में रिलीफ की मंजूरी दे दी। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स की ब्रांचों में इजाफे का भी फैसला। पसमानदा तबके की सहूलत के लिए हुकूमत हर कीमत अदा करने को तैयार है। शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सरमायाकारों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। वक्त आ गया है बाहमी तआवुन को मआशी शराकतदारी में बदला जाए। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत विपाकी काबीना का आज इजलास। मुल्क की सियासी और मआशी सूरतेहाल पर मुशावरत होगी। सुकूक बॉन्ड्स के इजरा और अद्वियात की कीमतों के हवाले से फैसले मुतवक्के। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि एक आध दिन के अंदर ही हो जाएगा। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे, एज लॉन्ग एज वी हैव द पैसे और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह पे, वो इंशाल्लाह ताला वो बात होगा। सर 47 बिलियन का जो रिलीफ दिया है उसमें कुछ कमी होगी? किसमें? इनकम टैक्स रिलीफ 47 बिलियन। फायदे सरबत लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ नहीं। IMF प्रोग्राम एक आध दिन में बहाल हो जाएगा। वजीर खजाना पुरुमीद, सालाना 12 लाख तक आमदन पर इनकम टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रहेगा। आलमी मालियाती इदारे का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम टैक्स बढ़ाने पर नाराज हो जाते हैं। मिफ्ता इस्माइल। सदर मुमलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल भी वापस भिजवा दिया। मालूम है दस्तखत ना करने के बावजूद ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा। कमजोर कवानीन से एहतसाब के अमल को कमजोर बना दिया जाएगा। आरिफ अलवी। आरिफ अलवी का तरीका दुरुस्त नहीं। सदर मुमलिकत को आइन की पासदारी करनी चाहिए। कौमी एहतसाब तरमीमी बिल नोटिफाई हो जाएगा। इमरान खान कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर इलेक्शन का फैसला नहीं ले सकते। अयाज सादिक। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। बेनजीर भुट्टो की आज सालगिरह, लाड़काना में मरकजी तकरीब। बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब शेड्यूल। बेनजीर भुट्टो को आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम होने का एजाज हासिल। बलोचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। मजमू हजम 600 अरब से जायद, तनख्वाहों में 15% इजाफा मुतवक्के। तरक्याती मनसूबों के लिए 140 अरब से जायद मुख्तस किए जाने का इम्कान। कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। रूस की यूक्रेन में बमबारी, बहर अस्वद की बंदरगाह उड़ीसा पर मिसाइल हमला, तेल गैस के कुएं और खुराक के जखीरे तबाह, 3 अफराद जख्मी, 7 कारकुन लापता। लंदन में 30 साल बाद रेलवे मुलाजमीन की सबसे बड़ी हड़ताल। तनख्वाहों में इजाफा ना होने पर हफ्ते तक काम बंद करने का ऐलान। एहतजाज में 40,000 से जायद रेलवे वर्कर्स की शिरकत। क्रिकेट दीवानों के लिए अच्छी खबर, इंग्लैंड की टीम सितंबर के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा करेगी। 7 T20 मैचेस की सीरीज खेले जाने पर PCB और इंग्लिश बोर्ड में इत्तेफाक हो गया। और मौसीकी का आलमी दिन, मधुर धुनों के जरिए अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम। मेहदी हसन, नूरजहां, नुसरत फतेह अली खान, नाजिया हसन पाकिस्तान में फन मौसीकी के दरख्शां सितारे।